पंजाब असेंबली व फैशन डिजाइनर हिना परवेज बट मॉडल टाउन लाहौर में रहती हैं। वालिद परवेज बट ने इस्तकबाल किया। घर की आराइश उनके हुस्ने ज़ौक की आईनादार है। पहली दफा पंजाब असेंबली की रुकन बनी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली ख्वातीन से आप कितनी मुतमईन हैं? दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वीमेन हैं इन द पंजाब असेंबली। एक नया लॉट आया है जो एजुकेटेड है और पढ़ा लिखा है, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट आई है, एक लड़की हु इज टीचिंग इन लम्स already, she has also been nominated. दूसरा ग्रुप है जो पार्टी वर्कर्स का है, बट पार्टी वर्कर्स जो है वो कॉमन मैन की प्रॉब्लम से काफी ग्रास रूट लेवल तक वाकिफ है. सो आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन एज अ पार्ट ऑफ द असेंबली इट्स इम्पोर्टेंट. वालिद परवेज बट एक मारूफ बिजनेस मैन है, रुकने असेंबली किसकी सिफारिश पर बनाई गयी? सिफारिश पे नहीं, नामजदगी पर. नॉमिनेशन हुई थी, क्वालिफाइड थी, फाइल गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास. ही सॉ माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन, गोल्ड मेडलिस्ट थी लम से, हमेशा से काम करती रही हूँ पार्टी के साथ, तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया. वालिद ने भी तो मियां नवाज शरीफ से कोई सिफारिश लड़ाई होगी. अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे हमेशा से, एंड वी हैव बीन ऑलवेज बीन लॉयल सपोर्टर्स ऑफ मुस्लिम लीग नून. फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई अधूरी छोड़कर लम्स में दाखिला ले लिया, आखिर डॉक्टरी छोड़कर बिजनेस एजुकेशन की तरफ तवज्जो क्यों हो गई? मेरी अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरी अपनी सबकॉन्शियस में आई वांट टू बी अ बिजनेस वुमन. सो शुरू में तो मेडिकल किया, एफएससी में कनेड में बड़े हाई नंबर से पास किया, थाता जना मेडिकल कॉलेज गई, पर वहाँ जाके रियलाइज किया कि मेडिसिन इज नॉट माई पैशन. एक दिन लम्स में डिबेट में इन्वाइटेड हुई, वहाँ गई, लम्स का माहौल बहुत अच्छा लगा, एंड आई थॉट कि यही कॉलेज है जिसमें मैंने जाना है. क्या लम्स में भी कोई पोजीशन ली? I've been like 6 years in LAMS. Throughout, मैं honors list award holder रही हूँ और shield holder रही हूँ LAMS के अंदर. आजकल fashion designing भी करती हैं. वालिद के business से हटकर नई line क्यों अख्तियार कर ली? मैं बड़ी स्टॉन्च सपोर्टर हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, और MBA से मैंने ये चीज़ लर्न की, और मैं हमेशा से मुझे पता था मैंने अपना खुद माय ओन ब्रांड मैंने लॉन्च करना है. शहरी यूथ की तो बड़ी तादाद ने इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, आपका रुझान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ क्यों हो गया? सोशल मीडिया पे इलेक्शंस होते तो फिर इमरान खान जीत जाता, लेकिन एक्चुअली इलेक्शन सोशल मीडिया के नहीं होते, ग्रास रूट लेवल्स के होते. मेरा हमेशा से ऑलवेज मैं मुस्लिम लीग नून की लॉयल सपोर्टर रही हूँ. 97 के इलेक्शंस में हम कॉलेज स्कूल में थे, कॉन्वेंट में, और हमारे दो डिफरेंट ग्रुप्स थे. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी अस्मा नवाज हमारी साथ पढ़ती थी, और हम हमेशा से बड़े एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप में थे. एक ग्रुप था PMLN का, दूसरा ग्रुप था PPP का, और उसमें भी हमारी थी क्लासमेट्स, तो हमेशा से हमारी राइवलरी चलती रही है और हमारी और स्ट्रॉन्ग होता रहा है PMLN की तरफ. मेरी सबसे अच्छी बेटियों में से है. आई एम प्राउड ऑफ हर. जिस काम को ये शुरू करती है आखिर तक उस पर मेहनत करती है और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका. खामी इसकी ये शाही है थोड़ी सी बोलने में. एक्चुअली मेरी ख्वाहिश ये है कि जैसे मेरे नाम से ये पहचानी जाती है, मैं चाहता हूँ कि इसके नाम से मैं पहचाना जाऊँ. एक प्लेटफॉर्म हमने दे दिया इनको, मियाँ साहब की बहुत मेहरबानी, उन्होंने एक जगह इसको दे दी है. अब इसलिए खुद बोलना है, खुद तरक्की करनी है, खुद जाना है. माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत लाइट थी. मुझे तो एक ही से शिकायत है कि ये एकदम मतलब ये कहती है एक दूसरे पे ट्रस्ट कर लेती है ज़्यादा, और अपनी चीज़ों के मतलब ख्याल नहीं करती, गुम कर देती है ज़्यादा. के साथ नाश्ता किया.
के अपनी फैक्ट्री आ गई। वाले बड़े सनतकार हैं, इनकी तीन बेटियों में से सिर्फ आप ही इनका हाथ बटाती हैं। दोनों की बिजनेस डीलिंग में क्या फर्क है? माई डैड इज माई मेंटोर, मैं उनको लुक अप टू करती हूँ उनके काम में, लेकिन मैं देखती हूँ कि ही थिंक्स ही इज द परफेक्ट पर्सन फॉर द जॉब, बिकॉज जब आप सारा काम स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तो एंड तक आपको लग रहा होता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर द जॉब। लेकिन मैंने MBA में ये सीखा है कि आपको वर्क डेलीगेशन करनी चाहिए, आपको लीडर्स तैयार करने चाहिए, द राइट पीपल शुड बी चोजन फॉर द राइट जॉब, और मल्टीनेशनल कंपनीज भी अब आपको यही सिखाती हैं। बतौर खातून आपको इस मुआशरे की मनफी चीजों का सामना तो करना पड़ा होगा। हाँ, काम में बड़ा करना पड़ता है, और आई थिंक ये सबको, सारी ख्वातीन को करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इन माई ओन वर्क आई हैव अ ह्यूज टीम, लेबर है 200 लोगों की, तो अकेली एक औरत को वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या महाना तनख्वाह मिलती है, शेयर होल्डर है, या फिर जितना चाहे ले लेती है? मुझे सैलरी मिलती है एंड प्लस आई एम ऑल्सो शेयर होल्डर। तनख्वाह कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए। 2 लाख तनख्वाह को कम समझती हैं या फिर ज्यादा? घर का खर्चा तो अब्बू चलाते हैं, मैं अपने पैसे सेव करती हूँ या चीजें कुछ खरीद लेती हूँ। दौलत की रेल पेल है, दिल खोल कर खर्च करती हैं या फिर तबीयतन कंजूस है? आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। मुझे लगता है जो लोग खुद काम करते हैं ना, उनको वैल्यू ऑफ मनी का एहसास होता है, स्पेशली मेल्स को, क्योंकि जब वो खुद कमा रहे होते हैं तो उनको पता होता है वैल्यू ऑफ मनी। दुनिया वाले तो इसे कंजूसी ही कहते हैं, मैं इसे वैल्यू ऑफ मनी कहती हूँ। बिजनेस तो आपके वालिद ने कायम किया, आपका यहाँ क्या रोल है? मेरा बड़ा एक्टिव रोल है यहाँ, यहाँ से प्रोडक्शन हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान जाती है, डीलर नेटवर्क है, आफ्टर सेल सर्विसेज को मैं बहुत मॉनिटर करती हूँ, अगर कंप्लेन आए तो मेक श्योर करती हूँ कि व्हाट इज द रीजन फॉर कंप्लेन। इसके अलावा इम्पोर्ट्स में हेल्प करती हूँ, मार्केटिंग में करती हूँ, और जो लेटेस्ट चीजें हों वो मैं चाहती हूँ कि वे अप्लाई करें अपने। तालीम मुकम्मल करने के फौरन बाद बहुत जल्दी शादी कर ली और फिर ये चल भी ना सकी, वजह क्या थी? आई वाज 22 इयर्स ओल्ड, बहुत छोटी एज थी, हमेशा से अपने फादर को आइडियल देखा था, बड़ी स्ट्रिक्ट वैल्यू सिस्टम से ब्रॉट अप हुई थी, तीन बहनें थी, बस क्लैश ऑफ वैल्यूज था। तो आखिर किन इखलाकी कदरों का तजाद था? हम सारी बहनों की ब्रॉटअप में बड़ा ईस्टर्न मशरकी वैल्यूज का ब्रॉटअप था, तो उन वैल्यूज के खिलाफ कोई भी चीज हो तो मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल था। जब भी वक्त मिले राजगढ़ में बेसहारा खवातीन के मरकज दारुश शफकत जाती है। सुपरिटेंडेंट अफशा तबस्सुम ने इस्तकबाल किया। खाने की अशिया तकसीम की, खूबसूरत स्मार्ट और जवान है, शादी की ऑफर्स तो आई होंगी? अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है तो मैंने इस तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचा। दुनिया में हर एक का कोई ना कोई तो आइडियल होता है, आपका मिस्टर राइट कैसा होगा? इस तरह का बंदा जो सेल्फ मेड हो, और ताकि वो वैल्यू सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह समझता हो, विमेन की रिस्पेक्ट करनी आती हो, और लॉयल्टी और सिंसेरिटी इज वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इन रिलेशनशिप। शक्लो सूरत और दौलतमंद होने की कोई शर्त नहीं आपके जहन में? आई थिंक अ पर्सन शुड बी रीजनेबली गुड लुकिंग and smart also, and I think ki haan good standard of living is also important. Gulberg
अपने बुटीक पहुंची। छोटी बहन आमना भी वहीं आ गई। डिजाइनिंग और सिलाई के काम की खुद निगरानी करती है। कपड़ों के नए नए डिजाइन अपनी बहन को पहनाकर और खुद पहनकर खुश होती हैं। इसकी क्या वजह है? मैं लोगों को वो चीज बेचना चाहती हूँ जो मैं खुद पहनना पसंद करती हूँ, और मेरी फैमिली पहनना पसंद करती है, और मेरी फ्रेंड्स पहनना पसंद करती है। फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में आपका अपना एक ब्रांड है, 200 लोग आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, मुनाफा तो बहुत कम आती होंगी। मैंने अपना ब्रांड एक बंदे से स्टार्ट किया था, नाउ वी हैव 200 पीपल वर्किंग अंडर मी, और हमारी प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल, दैट्स व्हाई वी आर द हॉटेस्ट सेलिंग डिजाइनर एट ऑल द रैक्स। मशहूर है कि शादी के जोड़ों में डिजाइनर्स बहुत पैसे कमाते हैं, आपका शादी का जोड़ा अंदाजन कितने का होता है? शादी का जोड़ा स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख and goes to 2.5. एक फैशन डिजाइनर के रुकने पंजाब असेंबली बनने पर कई लोगों ने एतराज भी किया, आप उनका क्या जवाब देती हैं? अपना ईस्टर्न कल्चर आप प्रमोट कर रहे हो एंड बिजनेस एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर खवातीन को कपड़े खरीदने का शौक होता है, चाहे रिसेशन हो, पैसे नहीं हो, दे हैव मनी टू बाय न्यू क्लोथ्स, सो आई थिंक इट वाज माय पैशन एंड दैट्स व्हाई आई लॉन्च्ड इट। आपकी बहन की अच्छी बातें क्या है और खामियां कौन सी हैं? हर बंदे का कोई आइडियल होता है, तो मेरी आइडियल हमेशा से बचपन में भी और अभी भी यही है, और ऐसा लगता है कि अगर ये मुझे ना समझाए छोटी छोटी चीजों पे तो मैं आगे नहीं चल सकूंगी। खामी थोड़ा ये थोड़ा कम बोलती है, और हमें खुद ही समझना पड़ता है इसको, ये एक्सप्रेसिव इतनी नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड हर। तो वो कैसे आप समझते हैं? थोड़ा तंग करके इसकी बातें निकलवा ही लेते हैं, लेकिन आई थिंक आई अंडरस्टैंड हर। मैंने साथ बहुत वक्त गुजारा है, वी यूज्ड टू शेयर द सेम रूम एंड मतलब मेरा सारा बचपन इसके साथ ही गुजरा, तो आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड। शी राइट्स वेरी गुड, कोई चीज उसे पूछनी होती है जुबानी नहीं तो फिर मैसेज करके बता देती है। मुझे लगता है हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, इसे झूठ बर्दाश्त नहीं है। घर वापस पहुंची, अंदर ही जिम में वर्जिश की, रात का खाना अपनी फैमिली के साथ खाया, खट बेटा मोहम्मद शेख उन्हें बहुत प्यारा है, बहुत से मुल्कों की सैर की, दुनिया में सबसे खूबसूरत इलाका कौन सा लगा? यूरोप बहुत प्यारा लगा, लेकिन रिसेंटली दिस ईयर मैंने टर्की विजिट किया, टर्की मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा अपना शहर है, द ओल्ड मॉस्क, द ग्रैंड बाजार की शॉपिंग बड़ी अच्छी थी, एंड आई एम फॉलोइंग मेरा सुल्तान ऑल्सो, सो आई एम रियली इन लव विद टर्की, द सिटी ऑफ इस्तांबुल। सोने के कड़े, महंगी घड़ियां और कीमती मोबाइल, ये सब आपकी कमजोरी लगते हैं? मुझे शौक है अच्छी चीज पहनने का। क्या सिर्फ सोने की चीजें पहनना ही पसंद है? ये लगते हैं कि सोने के हैं, बट दीज आर कॉस्मेटिक ज्वेलरी,
So anything that looks pretty, I wear it. बज़ाहिर बहादुर लगती हैं, फिर भी छिपकली और काकरोच से तो डरती होंगी। हाँ, इस तरह की चीजों से काफी डर लगता है। सियासत तो बड़ा खौफनाक शोभा है, वहाँ किस चीज से नहीं डरेंगी? Taking a stand for your own rights, उससे नहीं लगता। कई सहेलियाँ इल्जाम लगाती हैं कि खुफिया तौर पर आपने वोट तो तहरीके इंसाफ को दिया, लेकिन एमपीए मुस्लिम लीग नून की हो गई। क्या वाकई ऐसा है? इलेक्शन से एक रात पहले हम लोग सारे गए हुए थे डिनर के लिए, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। तो वहाँ हमारी मेजर डिबेट हुई विद वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज मैं अकेली लड़की थी जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही थी, बाकी सब पीटीआई को कर रही थी। तो आखिर तक मेरी उनसे लड़ाई रही, यहाँ तक के फेसबुक पे जब मैंने अपना स्टेटस लगाया कि मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही हूँ, तो कई लोगों ने मुझे ब्लॉक किया। जब मैंने अपने ब्रांड पेज पे लगाया तो उन्होंने कहा हम तुम्हें ब्लॉक करेंगे, हम तुम्हारा प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे। बट आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टॉन्च सपोर्टर एंड अ लॉयल सपोर्टर ऑफ मुस्लिम लीग नून। अराकीने असेंबली की ज्यादातर तादाद कुतुब बीनी का शौक नहीं रखती, आपको मुतालिया से कितनी दिलचस्पी है? मुझे बहुत शौक है किताबें पढ़ने का। मेरी मोस्ट फेवरेट बुक इज द 40 रूल्स ऑफ लव, एलेक शफीक की, एंड इट टेल्स अबाउट सूफीज्म एंड रूमी एंड शम्स ऑफ तब्रेज। सो इट इज वन ऑफ द फेवरेट बुक्स व्हिच हैज चेंज्ड माय लाइफ। म्यूजिक कैसा पसंद है? गुलूकार कौन सा अच्छा लगता है? नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, लता और मैडम नूरजहान, जैसे तुमसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा।